सुबह घर छोड़ दिया, कब तक यह सब समाज और ये जनप्रतिनिधि दलाली करेगा इन हुकूमत नारों के, पदाधिकारी के, नेताओं के, कब तक? जनता मालिक है। कल किसी का बच्चा मर गया अस्पताल में, यदि वो किसी डॉक्टर से झगड़ जाए तो क्या सब डॉक्टर मिलके उसके मां को मार देगा? गुस्से में झगड़ा हो सकती है। ये जांच का विषय है कि आप कैसे लगी वहां। वीडियो कट गया। आप एक तरफ कहते हैं कि मधुमक्खी को भगाने के लिए हमने आग जलाया, तो मधुमक्खी को जलाने के लिए आपने आग जलाया तो क्या वो आग बुझी? क्या पुलिस वाले हमारे बेटे भाई नहीं है? क्या उसका यहां भाई बहन नहीं है? क्या हम गुस्से में सब काम करेंगे? जो घटना करता उस पर केस होती, कानून काम करता। यदि पब्लिक कानून को हाथ में ले ले तो कानून हाथ में ले लिया, और नेता पुलिस पदाधिकारी कानून को हाथ में ले ले तो वो जायज हो गया, वो संविधान नहीं है। सारे कानून नियम संविधान जनता के लिए बनी है। यही है बिहार दिवस, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रात में घर ढूंढ के बेटी को नंगा करके बेइज्जत कर मारो, बेटी पढ़ाओ। नीतीश जी, महिला सशक्तिकरण, एक तरफ सबसे बड़ा बलात्कारी को जेड प्लस, राम रहीम को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 32 बलात्कार किया, गोली मार दो ना उसको क्यों छोड़ दिया? हम भी चाहते हैं राम रहीम जिसने बलात्कार किया है बेटी को मार दो गोली। सर एक चीज, मैं पहली दूसरी तीसरी घटना, जब पहली घटना में ही डॉक्टर ने चोट दिखाया, बाद में आप उसको सीसीटीवी, वहां पर अकेले ही अनिरुद्ध यादव थे जिसको भमर लिया मधुमक्खी, और किसी को नहीं भमरा और लोग नहीं थे, मतलब एक आदमी को आया मधुमक्खी ने कहा कि हम तुम्ही को पहचानते हैं और हमने भमर ली। वहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इसके पहले मधुमक्खी ने कभी नहीं भमरा वहां पर सिपाहियों को या बाहर से गए पुलिस को। उसी दिन मधुमक्खी अकेला अनिरुद्ध को भमर लिया और मधुमक्खी से मौत भी हो गई। ठीक है, मैं मान ली आपकी बात है, दिया मान भी लू कि सीसीटीवी आप प्रेस को सबको दिखा रहे हो, देखिए मधुमक्खी, हमने कम्बल, मधुमक्खी के पहले उसको कहां मारा गया, सिकता ले गया, मारने के बाद उसके परिवार गए, ना तो बलथर थाना में मिली, ना सिकता में मिला, ना किसी और थाने में आपने कही। यदि मधुमक्खी भमरता तो आप उसके परिवार को कहते अस्पताल ले गए हैं, आप जाइए इलाज कराइए, ना अस्पताल में ना किसी थाने में। और एक ही आदमी को सर किसी को कानून लेने की हाथ में इजाजत नहीं है, वह पब्लिक हो या नेता, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जिसके भरोसे हम रखवाली करेंगे वही हिटलर तानाशाह हो जाए, वही चंगेज खां हो जाए, वही नरभक्षी हो जाए, वही बदले की भावना से गुस्से में आकर के अपनी मां बहन को चीरहरण करने लगे तो फर्ज कानून की रक्षा कौन करेगा? कभी पुलिस वर्सेस बीएमपी का झगड़ा हो जाए, कभी पुलिस वर्सेस आर्मी का झगड़ा हो जाए, कभी पुलिस वर्सेस सीआरपी का झगड़ा हो जाए, क्या दोनों गोली चला देंगे कि हम बिहार पुलिस हैं आप सीआरपी वाले हो? क्या इसकी इजाजत है? मान लिया कि गांव वाले ने गलती की होगी, यह जांच का विषय है।
जब कोई मरे तो गुस्से में कुछ हुआ होगा। मतलब नेता चोरी करे, बलात्कारी करे, पोर्न देखे, लूट ले, पदाधिकारी सब कुकर्म करे, सारा पैसा देश का लूट ले, वो महात्मा गांधी, भगत सिंह, और पब्लिक अपने अधिकार के लिए एक पत्थर उठा ले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी। क्योंकि यह पत्थर पप्पू यादव के खिलाफ उठाया, मेरे खिलाफ पप्पू यादव को गाली दे दिया, बाप रे बाप, हम तो लगता है दुनिया के सबसे बड़े तिस्मार खा हम ही है कि पप्पू यादव को गाली कैसे दे दिया। तब तो ताकत तो हमारे पास भी है, हम भी पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठा कर सकते हैं किसी के खिलाफ, लड़ ले, मार दे। कानून इजाजत देता है क्या? केस हुआ, अब केस करिए सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, केस के बाद आप वारंट निकालिए, नहीं अरेस्ट होता है तो कुर्की निकालिए, घर को ढा दीजिए कुर्की निकाल के। कानून तय करेगा ना कि कानून भी हम ही, मुद्दे भी हम ही, मुद्दाले भी हम ही। क्या उसकी बहन नहीं थी क्या? क्या उसकी माँ नहीं थी क्या? क्या उसके घर में माँ नहीं है क्या? जब ये सिपाही बहाली होते हैं तब नहीं कुछ होता है तो पप्पू यादव लाठी खाने जाता है, जब सीआरपी की बहाली ना हो तो पप्पू यादव लाठी खाने जाए, और जब आप बहाल हो जाए तो क्या आपके मानवता खत्म हो जाएगी? तब आप सिर्फ पुलिस वाले बन जाइएगा? जन अधिकार पार्टी की ओर से पुलिस वाले को 50,000 रुपया जो मरे हैं, चाहे जिस रूप में मरा हो, यदि इस परिवार को अभी मैंने 20,000 रुपया की घोषणा दी है और इसके दोनों बच्चों को आजीवन में पढ़ाऊंगा, बेटी की शादी में 2,00,000 रुपया पप्पू यादव के तरफ से इसको जाएगा किसी भी कीमत। पुलिस वाले को भी 50,000 रुपया पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से जाएगा, वो अपने जगह पर, मानवता और इंसानियत रिश्ता अपने जगह पर। लेकिन चोट को क्या कीजिएगा? यहां दो दलाल हैं थाना के, क्या थाना में दारू नहीं बिकता? क्या पदाधिकारी को पता नहीं है दारू कहां बिकता है? क्या इस सरकार को पता नहीं है दारू कौन बेचवाता है? सर, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इस इशू पर कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। इस घटना की जांच जब तक न्यायिक नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठे। सर, इसका कौन सा घटना? सर, इस घटना, मतलब सीबीआई, तीनों कौन कौन सा? रात में पुलिस आकर के जुल्म करना, पहले दिन अनिरुद्ध की मौत होना, और उसके बाद थाने में आग लगी, आग लगाई गई, और तीन माले पर हमारे जवान कैसे मरे। सर, तो कौन सा जांच चाहते हैं? सीबीआई कोर्ट? मैं न्यायिक जांच और पटना की एसआईटी जांच मुख्यमंत्री जी से किसी कीमत पर मिलेंगे, और जरूरत पड़ेगी इस घटना के खिलाफ तो पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जरूरत हुई तो बिहार भी बंद करेंगे, और जरूरत हुई पप्पू यादव को तो इस गांव को बचाने के लिए हम कानून के दायरे में रहकर अनिश्चितकालीन, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल कर। सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? दोनों सरकार, पूरे गांव, पूरे गांव के परिवार, घर में जिस तरीके से तूर फूर हुई, चूड़ी तोड़ दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दिया, कोठी तोड़ दिया, चूल्हा तोड़ दिया, शहीद के घर से 50,000 रुपया निकाल लिए, बेटी को भगा दिया, महिलाओं को पीटा गया, मोलेस्टिंग की गई, पूरा गांव में ताला बंद है, यहाँ के पूंजीपति और पढ़े लिखे पॉलिटिशियन मर क्यों नहीं जाते? चुल्लू भर पानी में डूब के मरता क्यों नहीं है? बिहार दिवस मना रहा है, कौन सा बिहार दिवस? पूरा बिहार बेरोजगारी बिहार दिवस, पूरा बिहार शराब के जहरीली से लगभग 46 मौत बिहार दिवस, बांका, भागलपुर, नौगछिया, मधेपुरा, कल हम वहीं थे, पूरे बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार, हम अभी वहीं जा रहे हैं,
एक माझी की बेटी को बलात्कार करके फेंक दिया। चानन में 4 साल 8 साल की बच्ची को 7 लड़कों ने बलात्कार किया, पूछ के किए, दलित दलित थी। मैं वही अभी जा रहा हूँ, अभी मैं दरोंदा जा रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सर आप डिमांड करना चाहेंगे सरकार से कि जो दोनों मतलब मृतक हुए उनके लिए मुआवजा? सर 20 लाख का मुआवजा, इसकी पूरी इंक्वायरी, जो दोषी है उसको दंडित किया जाए, उसको फांसी की सजा, 302 का मुकदमा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज पर पूरी थाना की जांच, कैसे घटना घटित हुई, जो उसमें दोषी है उस पर उसकी गिरफ्तारी, पुलिस वाले के बच्चों को नौकरी और 20 लाख का मुआवजा। साथ साथ उसके बाद जो जालियांवाला बाग की घटना घटी है बिना पुलिस महिला के, उसकी पूरी इंक्वायरी के साथ, सर सिपाही पर नहीं, यहाँ के सीनियर पदाधिकारी जिसके आदेश पर रात में 9 बजे के बाद कानून कहता है कि आप किसी के घर नहीं जा सकते, सूर्यास्त के बाद ये आदेश क्रिमिनल के घर में जाने की भी नहीं है, उसके लिए कोर्ट से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मेरा इंक्वायरी यहीं पर है, पत्रकार जी, हिंदुस्तान, दैनिक, दैनिक भास्कर, आज प्रभात खबर और टोटल सोशल मीडिया हाथ जोड़ते हैं, प्लीज दोनों घटना की जांच करवा दीजिए। और उसके बाद जो जालियांवाला बाग की घटना घटी है आप लोग उसको दिखा दीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ये इजाजत है, कौन सा कानून में लिखा हुआ है सीआरपीसी में कि हम सूर्यास्त के बाद किसी गांव में ढुक करके किसी का ताला तोड़ेंगे? प्लीज सर, कोई जीने के लायक इस गांव में नहीं बचा है, सबके पैसे ले गए, प्लीज सर बचा लीजिए। ये नरभक्षी लोग गांधी मैदान से लेकर के हर जिले में सारा माफिया अपराधी एमएलसी के चुनाव में पैसा बांट रहा है, मुखिया, वार्ड सदस्य और जिला परिषद को। हम मस्त हैं, 1 लाख में गाय गोरु की तरह बिकने के लिए तैयार हैं। हम लोग से बड़ा हरामी कौन है जो बिकता हो, जो बिकता है ना उससे बड़ा चरित्रहीन, बिकने वाले आदमी को जिंदा जला देने की जरूरत है, अन्यथा समाज नहीं बचेगा। जिंदा उसमें लगे हुए, कहां मर गया ये विपक्ष का नेता, सत्ता पक्ष का नेता? 75 MLA जिसके पास होगा आज, 75 MLA कोई सड़क पर होना चाहिए और कहता मार गोली मुझे। बिहार की एक जनता को जो हो, पत्रकार जी बंद करिए, विधानसभा में विधायक पीटे गए, विपक्ष का नेता और सत्ता पक्ष का नेता चुप रहा, नंगा करके पीटा गया। पप्पू यादव होता, मुझे मेरे सीने में गोली मारना पड़ता तब उसको विधानसभा रुकने की इजाजत मिली, या तो हम रहते या तो एसपी कलेक्टर रहता, पहले मुझे मारना पड़ता या तो मैं खुद मार लेता, मेरे जीते जी नहीं मार सकता था। मर कहां गए, माल वसूल रहे एमएलसी के पैसे से, एमएलए का टिकट 6 करोड़ रुपया लेके देंगे, माल वसूल रहे। 3 दिनों से गांव के लोग, महिलाएं खाना नहीं खाई है, किसी के चूल्हे नहीं जले, और बेतिया बघा के एमपी मस्ती में है, क्योंकि इस गांव का वोटर यहां के दोनों एमपी का नहीं है। विपक्ष कहां मर गया? लड़ाई आर पार होगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। इस परिवार के लिए हमको जो करना पड़ेगा, दोनों परिवार, एक जवान एक किस परिवार के लिए, सब कुछ करेंगे। थैंक यू सर। सर एक मिनट चलिए।